सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सानवी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोतालों के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग पर तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के बहस में हम फिर से उपस्थित हो गए बानी मनोज पटेल। और विगत कुछ दिन से हमने निरंतर रूप में कोविड संग जुड़ल विभिन्न विषय वस्तु पर चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी, चूँकि हमनी के देश कोविड के बड़का महामारी के एगो कहर में फंसल बा। कोविड के गिरफ्त में पूरा देश हमनी के आ गेल बा और सबसे ज्यादा हमनी के पर्सा जिला प्रभावित हो रहा बा। बिरगज कोविड के हॉटस्पॉट रूप में आ रहा बा और ग्राफ देखल जाओ तो दिन प्रतिदिन नेपाल के कोविड संक्रमित होके वाला के संख्या के ग्राफ बढ़ रहा बा। कहीं भी एगो शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा अवस्था में जनता त्रसित बा। तब जनता के त्रसित होके के परी कि एकरा से बचे के खातिर कौन कौन अवलंबन करे के परी और खोप भी लेवल आदमी के कोरोना हो रहा बा ऐसा दिखाई सब दे रहा बा। तो ई का हा और खोप लेल व्यक्ति कोरोना से बची कि ना बची, कितना सुरक्षित बा, ई विषय पर केंद्रित रह के भी आज हम आज के अपन छलफल केंद्रित करे के प्रयास कर रहा बानी। और आज हमनी के छलफल में कोविड टीम में कोविड लोग के डॉक्टर टीम के अगुवाई कर रहा और विगत पहलका कोविड जब आई नेपाल में वो बखत भी और अभी भी अग्रपंक्ति में रह के खट रहा बानी, काम कर रहा बानी डॉक्टर नीरज सिंह हमनी के छलफल में आज जुड़ रहा बानी। बड़ी फिजिशियन बिरगज के डॉक्टर नीरज सिंह संगे हमनी बातचीत करके प्रयास कर रहा बानी। सबसे पहले डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में स्वागत करें। डॉक्टर साहब कार्यक्रम में अपने के स्वागत बा। धन्यवाद मनोज जी। डॉक्टर साहब अभिन लोग कह रहा बा कि कुछ शुभ संकेत दिखाई नहीं दे रहा, कौन ऐसा शुभ संकेत बा? जनता शुभ संकेत सुने के खातिर एकदम आतुर बा। अपने लोग फ्रंट लाइन में काम कर रहा बानी, संक्रमित होखे वाला और रिकवर होखे वाला के संख्या के विषय में भी हमनी के बताई। और अभिन जौन एगो कहल जाला कि कुछ दिन में एंटीबॉडी भी हमनी के अगर डेवलप होखे के क्रम बा तो उ कैसन अवस्था में बा? बिरगज के लोग में एंटीबॉडी डेवलप हो रहा बा कि ना हो रहा बा? ज़्यादातर लोग जौन संक्रमित होके आ रहा बा मरे वाला लोग के ग्राफ देखला के बाद में लोग डराइल बा, तो इस विषय में भी हमनी के बताई कि कुछ शुभ संकेत दिखाई दे रहा बा अपने लोग के। अभी वास्तव में कथी बा कि जे हमनी के जे तथ्यांक देखतानी न, तथ्यांक हमनी के रियल तथ्यांक ना है। जी जी। तथ्यांक काहे रियल ना है तो नारायणी हॉस्पिटल में उहे आदमी पीसीआर करावत जे आदमी बहुत ज्यादा ही सिम्टोमेटिक बा, जेकरा ज्यादा लक्षण बा, चिकित्सक उपचार करे से पहले जेकरा भेज रहल बा कि तोरा ये जरूरी बा भर्ना करे के लेल, उसके ओकरा बाद में उ फैमिली के मेंबर फिर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में करावत तो ओकनी के पॉजिटिव आवत। जी जी। घर घर में बुखार के इलाज लोग करे के अपने से बहुत डॉक्टर के संपर्क में रह के घरे में इंजेक्शन लगा के उपचार करे वाला, घरे में टैबलेट खा के उपचार करे वाला संख्या बहुत ही ज्यादा बा। बहुत लोग सीटी स्कैन करा के ही फेफड़ा अपन देश के भी अपन इलाज कोनो चिकित्सक के परामर्श लेके भी कर रहा बा बिना पीसीआर। पीसीआर के संख्या में हमने के ये होता है कि डेली अब सपोज 200 पीसीआर जांच होता तो हमें हमने के 120 आदमी के देखा था नहीं तो 130 आदमी के देखा था नहीं। ये हमने के वो जो एक किस्म से हमने के तथ्यांक जो आ रहा है जी जी ये देखला से लगा था कि बहुत ज्यादा हक करके, मगर बात यह कि हमने के पॉपुलेशन मैक्सिमम पॉपुलेशन अब एक्सपोज हो के फेज में बा जी। लगभग एक के हमने ऐसे कह सकता कि घर घर में कोरोना ढो गई बा जी। एगो चीज पहिलका कोरोना में ये कोरोना में फर्क काफी रहे, पहिलका कोरोना बीरेगंज नगर पालिका और दू चार गो गाँव पालिका में रहा था, एंटीबेरी पूरा परसे जिला में बा, अपने के घर घर में बा, 12 परसा रौतहट के गाँव गाँव में बा। और डॉक्टर साहब जैसे कि लोग के का बुझाई बा कि ई जवन ई सीजन है ई गर्मी के सीजन शुरू होता जेठ आषाढ़ सावन भादो के जवन ई सीजन बा, ई वायरल सीजन सब बा, इससे पहले भी बुखार टाइफाइड लगायत के अन्य सर्दी जुकाम सब आवे और एकरा के हल्का रूप में लेके अब जनता ई बुझे नहीं सकत कि हमनी के कोरोना बा कि का बा, ई एगो मैसेज भी जाय नहीं सकत कि अब हर व्यक्ति के पीसीआर एंटीजोन करावल जरूरी बा। डॉक्टर साहब
बात यह है कि हमने के बुझे को पूरा की बात सही है, इस सीजन में हमने के बुखार लागे सर्दी खांसी हो कई बात सही है, मगर आज तक इतना हमने के कभी ऑक्सीजन के खपत ना रहलक ये बात बुझे को पड़े जी जी। आज आज इतना हॉस्पिटल के ले हॉस्पिटल सब ऑक्सीजन सिलेंडर भरत भरत तबाह हुआ है ना, हॉस्पिटल में बेड नहीं से मिले आज तक कोनो भी बुखार के सीजन में ऐसा दिक्कत ना रहलक बेड ना मिले के ऑक्सीजन ना मिले के हमने के खुद मतलब डॉक्टर ही कहल आज 20-22 बरस हो गए इतना ऑक्सीजन कोनो पेशेंट के जिंदगी में ना चढ़े रही जितना हमने के एक रात में चढ़ा दे पड़ता एगो पेशेंट पे है ना, जो ऑक्सीजन सिलेंडर हमारे एक महीना चले वो हमारे एक रात में खत्म हो जाता, ये स्थिति हम यो ना देखे रही सन ये बुझे के पर जी। और जौन संबंधित पक्ष बा राज्य पक्ष आ कहीं हमने के तीन तह के सरकार बा राज्य पक्ष अब रुपया पैसा या दूसर चीज ना देख के जनता के पैसा में जनता में खर्च करे के खातिर अब मास टेस्टिंग के जरूरी एकदम हो गई बा, अपने लोग छलफल में जब कह रहल बानी जुट रहल बानी या DCMCC के बैठक जोन बैठ रहल बा कोविड एक्शन टीम के बैठक समय भी अपने लोग सहभागी हो रहल बानी तब कितना टाइम लागी, अब लेट होता जैसन डॉक्टर नीरज सिंह जी अपने ये बताएं कि अब लेट हो रहल बा मास टेस्टिंग करे खातिर। ये सब तो देखी कोई भी चीज हमने के समय में ना होला, ये सब चीज पहले से ही हो जाएगा चाहिए, अब मास टेस्टिंग का भी रोल नहीं है, अब तो मास मास में घुस गए, अब अपने के तो 15-20 दिन में कथी हुई कि जितना बीमार पड़े वाला पॉपुलेशन जो सीरियस होए वाला होगा सीरियस हुई जो उपचार के बाद बची बची जो पेशेंट ना बची ना बची ओकरा बाद सारा आदमी में एक किस्म की इम्यूनिटी डेवलप हुई ओकरा बाद में ये वेव खत्म हो जाए देश के पहले हफ्ता में मोटा मोटी हमने के ग्राफ गिरे लगी हमने के समय नॉर्मल आवे लगी ये सब चीज तो कही जाला ये सब चीज से बचे के लिए हमने के यहाँ कोनो भी निर्णय ते सही समय में सही ना होला जैसे लॉकडाउन रहे ये लॉकडाउन अगर अपने के 10 दिन पहले से लागल रही तो इतना आदमी संक्रमित ना हो है ना, अभी वही बात के जबकि हमने के कही सन तो चीज के बॉर्डर के जो टाइट करे के रहे वो होली के टाइम में टाइट करे के रहे तो ताकि जी जी चांद बाद में लोग लौटे ला घर पर डॉक्टर साहब जी। हाँ वो टाइम में वो लोग को स्पेशल आइसोलेशन में रखे गए वो टाइम में वो लोग को स्पेशल चेकिंग करे गए वो चीज के हमने के संबंधित निकाय के कहनी सन सामाजिक संजाल से भी सबके चेतना जगनी सन मगर एक कोनो आदमी गंभीरता से ना लेवे ला जी। अब डॉक्टर साहब जैसे कि अन्य देश समय हम अपने के बात के हिलंग रोक देनी हमरा के क्षमा कर जाए अन्य देश समय अब जैसे कि कोविड के उपचार और भौतिक क्षति के न्यूनीकरण के भी ध्यान में रखते हुए खोप कार्यक्रम के भी निरंतरता देवल जा रहा बा लेकिन नेपाल में वो चीज खोप कार्यक्रम होके नहीं के सक रहा या पहलो प्राथमिकता में पड़ल लोग के फ्रंटलाइन में करे वाला लोग के खोप मिलल कुछ लोग के दूसर का डोज भी मिलल कुछ लोग के अभी मिले के बाकी भी रहा बा खोप भी देवे नहीं के जा सक रहा तो खोप भी देवल जरूरी बा संगे संगे डॉक्टर साहब। नहीं खूब निश्चित जरूरी बात है कि ई रोग से लड़े के लिए हमने के ई रोग के हमने के इलाज करके हरावे ना सकम हमने के बच के ही हरावे के बा तो बचे के लिए खूब सबसे कारगर चीज है खूब लगला के बाद में इन्फेक्शन ना हुई से वाला बात सही में सही नहीं है मगर एक चीज कथी बा जरा दो डोज खूब लग जाता सेकेंड डोज के 15 दिन के बाद में शरीर में एंटीबॉडी फॉर्म होता ओकरा बाद में वो आदमी में हमने के रोग संग लागबो करी तो सामान्य लक्षण दिखाई दी सीरियसनेस लक्षण सब कुछ ना रहे जी। नेपाल में जो नहीं कोविड शील्ड लागल है खोक दू गो डोज कोविड शील्ड के विषय में भी अपने के बताएं कि कितना कारगर बा और देखी कि कुछ लोग के डोज दोनों लागला के बावजूद भी संक्रमित हो रहा बा परसा जिला में भी अपने देखनी अपने देख रहा बानी परसा जिला में भी बहुत दो तीन गो केस हमनी के भी संपर्क में आयल है एक दो जने पत्रकार लोग भी स्वयं जौन खोप लगेले बा डूडू जो उहो लोग के कोरोना हो रहा बा तो ई का है एकरा विषय में भी जनता अनभिज्ञ बा कि खोप कारगर नहीं के ई सिर्फ टेस्टिंग हो रहा बा गरीब जनता पर। ना एगो चीज कथी बा कि कोनो भी खोप 100% ना होला ई खोप के एफिकेसी भी 70-80% कर 70% कर रहे जी जी ये नंबर एक। नंबर दो की सेकेंड डोज के खोप बानो उस सेकेंड डोज खोप जोन टाइम में लागल हमने के समाज के बहुत आदमी वही टाइम में ऑलरेडी एक्सपोज हो गए हम भी देखनी हमारा तर भी मरीज सब जो संपर्क में आए पेशेंट इन्फेक्टेड हो गए बा वही दिन जाके खोप लगे बा पेशेंट के ही बुझाता कि हमारे बुखार ही खोप के चलते बुखार
है ना, जबकि पेशेंट के बुखार रहे, इन्फेक्शन के बुखार रहे, जबकि रूल कथी है कि सेकेंड डोज खोप के 15 दिन के बाद में अपने को बॉडी में एंटीबॉडी बनेला, वो काम करेला। जी जी। थोड़ा हमनी के टाइमिंग में भी प्रॉब्लम आ गई एगो। दोसर चीज की खोप अपने में 100% नहीं थे, मगर एगो चीज जरूर बा, खोप लागल, 2 डोज खोप लागल 15 दिन बीतला के बाद के आदमी अभी तक वैसे बहुत सीरियस क्यों नजर नहीं थे आई, पेशेंट सामान्य सर्दी खांसी रहेला, जल्दी से ठीक हो जाला। तो ये एगो खोप के प्रति ज्यादा नकारात्मक भावना रखल ठीक ना है, काहे कि अभी सबसे आगे आशा के केंद्र बुंदी कुछ है तो खोपे है। और जी, और भारत में जोन खोप लाग रहल बा, भारत में भी खोप लाग रहल बा, नेपाल में भी खोप, वहाँ जोन प्रयोग हो रहल बा खोप और नेपाल के खोप जोन प्रयोग हो रहल बा, दोनों एक एक खोप बा की भिन्नता भी बा इसमें, हमनी के रहन सहन, हमनी के भारत से रीति संस्कृति, रहन सहन, खान पान सब चीज मिलेला। जी, भारत में 2 प्रकार के खोप लागत है, एगो जे बा इंग्लैंड के रिसर्च कल जो कोविशील्ड जो हमनी के है जो भारत में बनल वो लागत है, दोसर एगो इंडिया के अपन रिसर्च है कोवैक्स करे वाला वो लागत है। तो ओकनी के जगह जगह पर अलग अलग वैक्सीन लगेले बड़न, 2 किस्म के वैक्सीन बा, कोविशील्ड भी भारत में बहुत जगह लागल बा, कुछ जगह ओकनी के अपने जे रिसर्च बा इंडिया के वो लागल बा, हमनी के जो भारत देले बा शुरू से हमनी के कोविशील्ड ही देले बा, हमनी के कोवैक्स नहीं के देले। जी, और नेपाल में कुछ लोग के जब खोप लागत रहे डॉक्टर साहब तो ये भी भ्रम रहे कि 2 किस्म के खोप लगावल जा रहल बा, कहीं चाइनीज खोप भी लगावल जा रहल बा, कह के भी बात सब आई रहे अपने सुनले हम, बिरगज में हल्ला चलल रहे, नारायणी अस्पताल में बेसी भीड़, नारायणी में कोविशील्ड दिया रहल बा, अन्य जगह में चाइनीज खोप भी दिया रहल बा कह के भी बात आई रहे, तो ई विषय का है ना। वो तो एक बैच में जरा कोविशील्ड पड़े पड़ल बा, सेकेंड डोज भी कोविशील्डे पड़ी। जी जी। अब सपोज गेट्स में जैसे शुरू हुई नया वैक्सीन, तो अगर चाइनीज लागत है तो सेकेंड डोज भी चाइनीजे पड़ी, वो चीज के गवर्नमेंट मिले ले बा, जरा जोन लॉट से दे ले बा वही हिसाब से वैक्सीन दी। और ये जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन अपने कहनी है कि कोरोना की खोप लगला के बाद में भी इन्फेक्शन हो रहा बा, ई कितना प्रतिशत बा नेपाल में, अपने के कैसन कैसन अभिन फेस कर रहल बनी अपने लोग, और ऐसे ज्यादा मतलब डराए वाला या एगो असंख्या एकरा पर खोप पर करे वाला, या कितना लोग कहला कि अब खोपे ना ले हम कहे वाला लोग के भी अपने का मैसेज देवे के चाहे। ना, वो तो गलत डिसीजन है, खोप लेवे के बाद खोप लेके, खोप लेला के बाद एकर मतलब ही नहीं है कि मास्क छोड़ देवे के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ देवे के बाद, ई बात नहीं है। खोप लेवे के बाद ओकरा फॉलो करे के बाद, खोप से एगो चीज निश्चित बा कि अपने बिना खोप से खोप के तुलना में अपने बहुत ज्यादा सुरक्षित बनी, खोप लागल आदमी के ज्यादा गंभीर प्रकृति के लक्षण ना होला, सामान्य लक्षण होला, ओकरा टॉयलेट अच्छा से करेला। मगर एगो चीज है जैसे जो हमनी के पीजीओ के तो खोप लगनी छन, बीसीजी जन्म से मात्र नेपाल में हरेक बच्चा के लागेला, एक मतलब ना कि टीबी ना होला आदमी के, टीबी होबे करेला, टीबी के उपचार करबे करेनी छन ना। जी जी। खोप एगो कथी वाला कि इन्फेक्शन रेट के घटा वाला, ज्यादा आदमी के संक्रमित होए ना देवेला, ज्यादा आदमी के सीरियस होए ना देवेला, कोनो भी चीज के पॉजिटिव पक्ष निगेटिवली ज्यादा ना करे, एकरा निगेटिव निगेटिविटी एकर फैला के खोप के बारे में नकारात्मक सोच रखना ठीक बात ना हो। या एकरा के डॉक्टर साहब हमनी ऐसे तरीका से भी ले सके तनी कि लाखों हजारों में कुछ ऐसा व्यक्ति हो जरा में सही किस्म से खोप काम भी ना करी, ऐसा भी होला ऐसा बा। अपने जो अभी तक के तथ्यांश में आये बा कोविशील्ड वैक्सीन के 0.02% मात्र संक्रमित भेल बा, तो अपने आप में बहुत अच्छा डाटा है ना, 0.02 मतलब बहुत कम आदमी संक्रमित भेल। जी, अब डॉक्टर साहब अब ऐसा अवस्था में अपने कह रहल बानी, अपने के एगो इंटरव्यू भी हम सुनत रहनी कि अब जरूरी हो गई बाकी अब डॉक्टर साहब लोग के, फिजिशियन लोग के या वरिष्ठ चिकित्सक लोग जौन बा वहाँ पहुँच रहल बा, ऐसा कोविड के असंख्या अगर बा तो अब कोविड के दवाई भी अब प्राइवेट क्लिनिक से भी चला दे जरूरी बा, का लगता अपने भी एगो कहीं इंटरव्यू में बतैले रहनी कि हम भी कुछ ऐसा लक्षण आवेला तो बहुत लोग के जरा PCR परीक्षण भी नहीं के भेल, वैसा आदमी के भी कोविड के अब दवा सब चलावल जरूरी बा। सही बात बा, हम चलावे नी दिनों फोन में व्हाट्सएप में मैसेज भी कर देवे नी, काहे कि कोनो चीज में समय सबसे इम्पोर्टेंट है, लेट कैला से आदमी के बाद में लाइफ उनको रिस्क भी हो जाला, वैसे उचित समय के हिसाब से फीवर कितना दिन के बाद, खोकी कितना दिन के बाद, ओकर जैसे कि फर्स्ट 5 दिन हमनी के सामान्य दवाई में रखे के बाद, अगर 5 दिन के बाद भी बुखार होता तो हमनी के इंतजार करे के बाद में क्या आवत, PCR के रिपोर्ट आवत रहे, हमनी के एग्रेसिवली शुरू करे।
जी अब डॉक्टर साहब ये भी बताई अब हमनी के कि भौतिक क्षति जोन बा ओकरा के हमनी अब कैसे कम कर सके। अब भौतिक क्षति बहुत ज्यादा हो रहा बा बीरगंज में, और भौतिक क्षति के कारण सब का बा एगो तो अपने कहनी है कि लेट हमनी के संपर्क में लोग आवता। हमनी के जन समुदाय में लोग के अभी भी टाइफाइड बुखार के प्रति जन विश्वास ज्यादा बा। लोग अपन एगो विडाल नाम के टेस्ट होला वो करा के आदमी में फिकिर हो जाता कि हमरा टाइफाइड बा। विडाल टेस्ट बहुत समय में फॉल्स पॉजिटिव आवेला। विडाल के भर पे ही टाइफाइड कह के अपने आप के घरे में बैठ के अपन इलाज करावत रह गए, चिकित्सक के संपर्क में ना आवे के आवे के ई कारण से एगो सबसे ज्यादा अभी हमनी के भौतिक क्षति हो रहा बा। दोसर क्षति रोग के प्रति सामाजिक एगो घृणा, लोग कथी रोग कहाँ जाए मुहर रहे के पर ई चीज के भी लोग एगो फेस ना करे के हिसाब से स्टिग्मा कहें सोशल स्टिग्मा सामाजिक मतलब घृणा के दृष्टिकोण के चलते भी लोग अपन बीमारी के छिपा के अपन रूम में रखेला और लास्ट डेट में 13-14 दिन में जब ज्यादा ही अति दम फूलेला ज्यादा फेफड़ा बर्बाद हो जाला तब जाके चिकित्सक के संपर्क में आवेलन सन। नंबर तीन पहले के समय में कथी रहे कि मान ली 60 केस भरना रहे तो उनमें 7-8 केस खाली सीरियस रहे बाकी केस नॉर्मल रहे। अभी के केस में अगर 100 गो भरना बा तो बुझी 95 गो केस सीरियस बा, उसमें 5 गो नॉर्मल बा। ई हमनी के अभी बहुत बड़ा हमनी के चैलेंज को कहिए एकरा के जी। हाँ हमनी के कहे के लेल बा कि हमनी के 7 बेड आईसीयू चलाओ तनी नियम से हमनी के बुझी 95 बेड हमर आईसीयू है। उ मैं आईसीयू के लायक मरीज ही बा। अब आईसीयू के सुविधा तो 95 बेड में नहीं थे जी, खाली मरीज तो सब आईसीयू में रखे वाला बा है ना। तो हमने जे जथी गए राज्य लेवल से ही व्यवस्थापन के कमी कमजोरी क्या ऊपर के पॉलिसी में भी कथी रहे कि नारायणी हॉस्पिटल में 5 आईसीयू को बेड बनाने 25 कहीं सामान्य बेड बनाओ जी। बाहर आ रहा तो, बाकी विज्ञ टोली भी नहीं खे बिरगज में विज्ञ टोली नहीं खे डॉक्टर लोग के टीम छोट बा सही समय में इलाज मिले नहीं खे सक रहा पब्लिक लोग के बात का बा। विज्ञ टोली देखी बात कथी बा कि विज्ञ में हमनी के 5-7 आदमी के फिजिशियन बीजे लोग बानी हमनी के तो बढ़ले बानी मगर बात यह होता वहाँ दिक्कत बा ऑक्सीजन सिलेंडर ढोए के आदमी के कमी वहाँ नर्सिंग स्टाफ के कमी। केस सिंपल केस में अपने 25 को केस में 2 नर्स दे सकता नहीं। जब केस आईसीयू लेवल के केस हो गए तो अपने के 5 केस के एगो नर्स देवे के पड़ी। हम कहते बानी अपने के जहाँ 95 आदमी सीरियस बा तो वहाँ हमनी जैसे एगो ड्यूटी में 20 नर्स देवे के पड़ी तब जाके वो केयर हुई। उतना नर्स देवे के हमनी के अस्पताल के या हमनी के हेल्थ सिस्टम के क्षमते नहीं के क्षमता से बाहर के चीज रही ना बुझ चाहे लेवल जा सकता तो सरकार के वो लेवल के नियुक्ति के पॉलिसी लिया के पड़ल तुरंत नियुक्ति करे के पड़ल। ये सब हाई लेवल के पॉलिसी है छोट मोट एगो दूगो डॉक्टर के निर्णय से होए वाला बात नहीं की राज्य के। लेकिन हमनी लगे चॉइस बा डॉक्टर साहब हमनी लगे चॉइस बा कोनो अब बिहान हमने किने बिहान सामान ले आए बिहान ऑक्सीजन ले आए बिहान कर्मचारी भर्ती करेम अब करेम अब हमनी लगे तो कुछ च्वाइसे नहीं के एकदम आज के आज यूं के यूं जौन चीज चाहिए डॉक्टर साहब लोग की वो चीज तो कम से कम भरपाई होके के पड़ल का लागत अपने के जिससे में हमनी के सबके कह दिले बानी हमनी के मैन पावर एकदम डिफिसिट में बानी यानी शिक्षा के मैन पावर कमी बा नर्सिंग स्टाफ कमी बा लेडीज ट्यून से हमने जो बड़का बड़का सिलेंडर ढोआ नहीं थे बड़ी मुश्किल से ढो तनी सन वो कहे कि हमने के स्टाफ सब में हॉस्पिटल सब में आधा स्टाफ हमने के लेडीज ट्यून लोग बा जो भारी सिलेंडर बा अपने के बोके में दिक्कत बा बहुत किस्म के टेक्निकल समस्या बा। अब 95 को बिरयानी में कोनो बेर में एकर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है कोनो बेर में ओकर ऑक्सीजन खत्म हो जाता है जी। पाइपलाइन के भी बात आवा था कि पाइपलाइन के भी पाइपलाइन जोड़े में भी अपने लोग कहनी कि ओ में टाइम ना लागेला ज्यादा अगर व्यवस्थित करे के चाहिए तो 1-2 दिन में हो जाए वाला चीज बा ओकर पाइपलाइन पूरा हॉस्पिटल के ऑक्सीजन पाइपलाइन करे के लिए एगो जो लागत के जो बजट बा जो खर्चा बा वो संबंधी स्टडी होके दिया गया बा। उ के लिए भी अब नेपाल में बुझते बनी आर्थिक पक्ष के लिए अब बहुत लोग बहुत चीज से डरेला अख्तियार से डरेला इस चीज से डरेला पैसा कौन दी कौन कितना प्रतिशत लगाई मीटिंग सब ये सब गप में समय कट रहा बा और हमनी के भौतिक क्षति बढ़ रहा बा। पैसिंग निर्णय लेके फटाफट काम करे के और निर्णय के कार्यान्वयन करे के टूली ना होला के चलते दिक्कत बा क्योंकि राज्य लेवल के ही पॉलिसी में ही कमी बा। एगो जी भारत सरकार से सामान मंगा रहल बा डॉक्टर साहब भारत सरकार के डाटा अपने भी देख रहल बानी समाचार सुन रहल बानी हमनी भारत सरकार तत्कालीन नेपाल सरकार के कुछ ऐसन सामग्री औषधि बंदोबस्ती के उपचार ऑक्सीजन चाहे कोनो चीज सब मुहैया करावे वाला अवस्था में बा अभी भारत सरकार
भारत के पहले सामान बहुत ज्यादा बड़ी तो समझ पानी, मगर भारत अपने में अभी लड़ रहा है। भारत के अभी दवाई उवाई भी कमी हो गई बा। भारत अपने सब स्टेट इमरजेंसी हेल्थ डिक्लेयर करल अवस्था बा। भारत के अवस्था अपने अभी नाजुक बा। हमनी के देखा था नहीं, हमनी के छिमेकी शहर भारत से मुजफ्फरपुर से सबसे बहुत लोग हमनी से हेल्प मांगता अपने लोगन के पहले ई दवाई बा ई सामान जी। बिरगज में भारतीय बहुत ऐसा इंडियन कंपनी के दवाई सब नहीं मिल रहा डॉक्टर साहब, अब शॉर्टेज होके वाला अवस्था में बा, एकरा की उपलब्धता करावल जरूरी बा। कोरोना से भी मरी, अगर दूसर दवाई ना मिली तो वो दूसरो बीमार से भी आदमी मरे वाला अवस्था है बिरगज में। बात सही है, अगर अगर हमनी के ना मिली तो हमनी के दिक्कत बा। ये तो सब कुछ के हमनी के स्टाफ और एक्सेस अभी से कर दे, सब चीज के हमनी के रखे के पड़ल जरूरी बात जी। लॉकडाउन अब अंतिम में हमनी के कार्यक्रम में एक दो मिनट समय बा डॉक्टर साहब, अंतिम में लॉकडाउन अब 30 गते तक ले हो गई, और भी बढ़ सके के संभावना बा अगर स्थिति ऐसे ही रही, जनता के सहयोग अपने लोग के ना मिली तो? निश्चय भी अगर जनता एकरा फॉलो ना करी तो लॉकडाउन बढ़ भी सकता है, मगर अगर एकरा स्ट्रिक्टली हमनी के 20 दिन खाली फॉलो कर देता नहीं तो चेन ब्रेस में हेल्प हो जाए, संक्रमित के दर घट जाए, सीरियस होय वाला पेशेंट भौतिक क्षति वाला पेशेंट के दर घट जाए, एगो मोटा मोटी अंदाज लग जाए कि हमनी के पॉपुलेशन वेल एक्सपोज हो गए बा, अब हमनी के लॉकडाउन हटेला से होई तो हमनी के देश के 10-15 गते से एकरा निफिकिर हो जाए जी। डॉक्टर साहब हमनी के रेडियो से पत्र पत्रिका मार्फत से टेलीविजन से पत्रकार लोग कह रहा बा, लेकिन हमनी के बात लोग नहीं के मानत, अपने स्वयं इतना नजदीक में फ्रंट लाइन में अपने के नाम भी बिरगज में इतना चर्चित बा डॉक्टर नीरज सिंह के चिन्हे वाला लोग केहू नहीं के, एक दो तीन में बताई कि अब लोग के लजाइला जरूरी बा कि जल्दी से न बा के कैसन कैसन अगर समस्या दिखाई देता तो तुरंत ओकरा के एंटीजोन या पीसीआर करावल जरूरी बा, का कहें अपने जनता के? निश्चय भी रोग कभी भी लगाए के विषय ना हो के चाहिए, रोग एगो रोग अपने कोई चाह के न होला, रोग अनएक्सपेक्टेड चीज है जेकरा पकड़ लेलक रोग से शर्म के विषय करे के जरूरी नहीं है, एगो सामान्य लाज मानला से एगो परिवार से एगो इतना बड़का क्षति भोगे के पड़ल जेकर अर्थ नहीं है, वही से रोग से लगाए के तो बात ये चीज वास्तव में ये सोशल स्टिग्मा बा, ये बहुत बड़ा दुखदायी बात बा, वैसे रोग से लजाए वाला काम तो नीचे हम विनती करते नहीं ये चीज के आगे से ही बंद करें जी। और अगर वैसा कोनो किस्म के सर्दी खांसी बुखार जैसा वैसा अगर कोविड के कोनो किस्म के भी लक्षण अगर लागत है तो जल्दी से पीसीआर करावे के पड़ल, महामारी में नियम बा अगर अपने के खोखी बा बुखार बा अपने के पीसीआर करावे के बा, अब हो न हो ये नहीं से सोचे कि हम फ्रिज के पानी पी लेनी तो घाम में घूम लेनी तो आज बर्फ खा लेनी तो वो सब चीज का अर्थ नहीं अपने के करावे के बाद एक दो तीन करावे के बाद जी। डॉक्टर साहब अपने के समय बहुत ही व्यस्त बा, फिर भी हमनी के समय उपलब्ध करा देनी है और जनता के अपन विचार ये जौन चीज सब रख देनी है, अपने के विचार के जनता लोग हमनी के श्रोता लोग जरूर मनन करी, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद जी। वहाँ की रानी है डॉक्टर नीरज सिंह वरिष्ठ फिजिशियन और कोविड के फ्रंट लाइन में नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल में, नारायणी उपक्षेत्रीय हम कहनी एकरा के माफ कर जाए, नारायणी अस्पताल में वहाँ काम कर रहा बानी, कोविड के फ्रंट लाइन में रह के वहाँ पहले भी और अभी भी काम कर रहा बानी, तो उनकर बात के अपने हल्का रूप में ना ली, अगर कोनो किस्म के वैसा सिम्टम आज के डेट में देखा देता तो अपने डॉक्टर बने के कृपया प्रयास ना कर जाओ, तुरंत पीसीआर एंटीजोन करावल जाओ, कोरोना हुई तो कोरोना के इलाज चली, कोरोना ना हुई तो भाई जौन चीज बा ओकर इलाज चली, ई चीज बुझल जरूरी बा, काहे कि अब कोरोना बिरगज के घर घर में घुस गई बा, घर घर में ढू गई बा, तो लजाइल कोनो जरूरी नहीं के, और कोनो भी पब्लिक के केहू के कोनो भी जनता के अगर कोरोना हो जाता तो ओकरा के हीन भावना से देखल जरूरी नहीं के, काहे कि ई कोनो आदमी चाह के ना होला, केहू के भी हो सका था कोरोना, और कोरोना से लजाए वाला जरूरी नहीं के, कोरोना कोनो बड़का बीमार भी नहीं के, जब लेट अपने डॉक्टर लगे पहुँचे भौतिक क्षति होके के संभावना बढ़ी, तो ऐसे जल्दी से जल्दी शुरुआतीय दिन में अगर डॉक्टर साहब कहनी है शुरुआतीय दिन में अगर हमने लगे आदमी आ जाता तो कोनो दिक्कत नहीं के, हमने के 100% कोरोना के बचाव सके, लेकिन सांस ना लेवे सके वाला अवस्था में, ऑक्सीजन के लेवल घट जाए वाला अवस्था में जब अपने डॉक्टर लगे पहुँचम, वेंटिलेटर में रखे वाला अवस्था में जब अपने लगे डॉक्टर लगे पहुँचे, तो अभी नेपाल सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के विज्ञप्ति भी अपने पढ़नी है, अब बचे के संभावना बहुत कम हो जाए, ऐसे ये तमाम बात के अपने ध्यान में रख के अपन जीवन शैली अब अपनावल जाओ, और 20-21 दिन कम से कम अपने लोग घर में रहल जाओ, चेन ब्रेक तुरे में एकरा के बहुत ही सहज होई, डॉक्टर साहब ये भी बात कहनी है, दो तीन गो बात कहनी है, और जिस जे लोग खोप लगैले बा उहो लोग में भी हल्का
हजारों लाखों में कुछ लोग के संक्रमित होके के समस्या बा, यदि संक्रमित भी हो गए तो डराय वाला अवस्था नहीं है, यो बतानी है। आज के कार्यक्रम सुन देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये तमाम बात के हम सार संक्षेप में भी कह दिल बानी, अपने एकरा के मनन करम। सहयोग के खातिर श्री नारायण जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे चाहें, नमस्कार, प्रणाम।